हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत तहसीलदार दीपक सांकला ने भारी भीड़ होने पर काटा 1 लाख का चालान। जहां एक ओर समस्त देश प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अज्ञान, अशिक्षा व निर्धक लॉकडाउन के चलते लोगों द्वारा लापरवाही व कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। तहसीलदार दीपक सांकला जब कोविड गाइडलाइंस की पालना बाबत रेवेन्यू टीम सहित ग्राम बिलावास सदर मार्केट में लोगों के चालान काट रहे थे, तभी उन्हें आई माता की वडेर में प्रीति भोज होने का खबर मिली। रेवेन्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दबाव से मुख्य गेट का दरवाजा खुलवाया गया। अंदर निरीक्षण करने पर ऊपरी हॉल में भारी भीड़ देखकर तो एक बार की अधिकारी के होश फाकता हो गए। ऊपरी हॉल में लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे और अत्यंत गर्मी व उमस भरे माहौल में भोजन परोसा जा रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि राणावास पुत्र चौथा राम के घर पर विवाह होने से चोरी छुपे वडेर के दरवाजे बंद करके ऊपरी हॉल में प्रीति भोज आयोजित किया हुआ था। तहसीलदार द्वारा सख्त निर्देश देने के उपरांत भारी भीड़ जमा करने के अवज में 1 लाख रुपए का चालान काटा गया व समस्त भीड़ को एक एक करके वडेर से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात संपूर्ण धार्मिक स्थल वडेर को 1 माह के लिए सीज कर दिया गया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।